5 अगस्त का मौन शौर्य। भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक विनम्र शिक्षक रहता था। वह भव्य हाव भाव या उग्र भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन देश के प्रति उसका प्रेम गहरा था जो उसके दिल में गहराई से समाया हुआ था। वर्ष 1947 था और भारत ऐतिहासिक परिवर्तन के कगार पर था। स्वतंत्रता की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थी, इसलिए हवा में उत्सुकता थी। फिर भी अर्जुन के गांव में कई लोग उस क्षण के वास्तविक महत्व से अनजान थे। ब्रिटिश शासन उनके लिए एक दूर की छाया थी जिसके बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन कभी वास्तव में महसूस नहीं किया था। अर्जुन को पता था कि वह दिन आ रहा था जब भारत अंत उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने हमेशा अपने छात्रों को अपनी मातृभूमि के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाया था। उनमें अपने देश के लिए गर्व और प्रेम की भावना पैदा की थी, लेकिन अब वह चाहते थे कि वे समझे कि आज़ाद होने का क्या मतलब है, उस क्षण का भार महसूस करें जो जल्द ही आने वाला था। फॉर्चुनेट्स अगस्त की शाम को अर्जुन ने गांव वालों को स्कूल के छोटे से प्रांगण में इकट्ठा किया। आसमान साफ था और तारे लाखों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों की तरह टिमटिमा रहे थे। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ स्थिर थी, फिर भी भावनाओं से भरी हुई थी। उसने उन्हें बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनाई, उन अनगिनत पुरुषों और महिलाओं की जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कुछ ने शब्दों से, कुछ ने हथियारों से, लेकिन सभी ने एक अडिग भावना के साथ। जैसे जैसे घड़ी आधी रात के करीब आ रही थी, अर्जुन गांव वालों को पहाड़ी पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया जो भारत की आत्मा की तरह ऊंचा और गर्व से खड़ा था। उसने एक अस्थाई झंडा तैयार किया था और उस पर से उसने तिरंगा झंडा फहराया जिसे उसने अपने हाथों से सिला था। आधी रात को जब झंडा हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था, अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, ग्रामीण भी चुप थे। उनके दिल गर्व की एक नई भावना से भर गए थे। रात की हवा अतीत की फुसफुसाहट और भविष्य के वादों से भरी हुई थी। पहली बार गांव वालों को सही मायने में समझ में आया कि आजाद होने का क्या मतलब है। ये सिर्फ ब्रिटिश शासन का अंत नहीं था, ये एक नई यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जहां हर भारतीय, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न हो, अपने देश के भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका निभा सकता था। 15 अगस्त की सुबह होते ही गांव न सिर्फ एक नए दिन के लिए बल्कि एक नए युग के लिए भी जाग उठा। अर्जुन के झंडा फहराने के सरल कार्य ने उनके दिलों में एक आग जला दी थी, एक ऐसी आग जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल रूप से जलती रहेगी। गांव भले ही छोटा था और अर्जुन सिर्फ एक मामूली स्कूल शिक्षक रहे हों, लेकिन उस पल में वह उस मूक वीरता का अवतार थे जिसने भारत को उसकी आज़ादी दिलाई थी। और इसलिए हर साल स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं, उस रात को याद करते हैं जब उन्होंने पहली बार आज़ादी का सही अर्थ महसूस किया था। एक ऐसे व्यक्ति का शुक्रिया जिसने उन्हें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक भावना है जो हर दिल में रहती है। इस प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।